तो दोस्तों एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी एक नया किस्सा लेकर। आज वो एक्शन हो गया जिसकी बहुत महीनों से इंतजार की जा रही थी। जुएबाजों के खिलाफ जंग जारी। भारत सरकार ने आज एक नई नोटिफिकेशन निकाली जिसके तहत किसी भी भारत के मीडियम में जुए की या गेमिंग ऐप की या सट्टा बाजार कहें उसकी किस किस्म की कोई इश्तहारबाजी नहीं हो सकती है। आज से ये हुक्म लागू हो गया। आप अपने अपने टीवी स्क्रीन पे जो भी प्रोग्राम्स देख रहे होंगे उसमें आपने महसूस किया होगा कि आज कोई फिल्म एक्टर, कोई क्रिकेट का खिलाड़ी, कोई फुटबॉल वाला, कोई हॉकी का सरदार सिंह, कोई भी आपको आज टीवी पे नज़र नहीं आएगा ये कहता हुआ कि एक रुपया लगाओ और एक करोड़ रुपया कमाओ। ये इश्तहारबाजी आज से विद इमीडिएट इफेक्ट बंद कर दी गई है। और इसके साथ साथ दूसरी बड़ी खबर जो दुबई से आ रही है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गेमिंग ऐप जुए का धंधा चलाने वाला माफिया का सरदार सौरभ चंद्राकर को आज दुबई में डिटेन कर लिया गया है। उसको उसके घर में नज़रबंद रखा गया है क्योंकि भारत की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एक रेड कॉर्नर नोटिस उसके खिलाफ निकाला था जिस पे काम करते हुए यूएई अथॉरिटीज ने सौरभ चंद्राकर को दुबई में उसके घर में ही कैद कर दिया है। ही इज अंडर हाउस अरेस्ट। इसी महीने की शुरुआत में उसका पार्टनर रवि उप्पल, वो ऑलरेडी डिटेन किया जा चुका है, उसके खिलाफ भी अक्टूबर में रेड कॉर्नर नोटिस निकला था जब ईडी ने बहुत बड़े लेवल पे तकरीबन 100 से ज़्यादा ठिकानों पे छापे मारे थे और इस बात का खुलासा किया था कि बहुत सारे फिल्मी सितारों को, वीआईपीज को स्पेशल फ्लाइट से इसी साल के फरवरी के महीने में यूएई ले जाया गया था जहां पर इसी सट्टाबाजों के सरदार सौरभ चंद्राकर का विवाह हो रहा था, उसकी शादी थी। 200 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्चा करने का अनुमान और उसकी खबरें पूरे मीडिया में छाई रही थी काफ़ी दिन। नागपुर से चार्टर प्लेन गए थे बड़े बड़े लोगों को लेकर उस शादी में शामिल होने के लिए और बहुत सारा पैसा कैश में दिया गया था। अपनी उस चार्जशीट में ईडी ने कहा कि ये महादेव ऐप के मालिक सौरभ और रवि उप्पल, इन्होंने 6000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है, एक तरीके से हवाला किया है, पैसा इधर से उधर घुमाया है जिसमें बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचाया गया। आज हमने अपने सट्टा बाजार के एक्सपर्ट से फिर बात की एक बार। आज तक उन्होंने जितने प्रोग्राम हमारे साथ किए हैं सब सही निकले। ये जो 5 राज्यों की इलेक्शन हुई थी उसका विश्लेषण जो उन्होंने किया था वो बिल्कुल सही निकला है। उन्होंने विश्लेषण उनका अपना नहीं है, ये सट्टा बाजार को लेके उनकी तरफ से लगाए गए भाव को लेके उन्होंने ये विश्लेषण किया था। उसके पहले भी बहुत सारे चीज़ों का उन्होंने खुलासा किया था, सबकी तब सही निकली और आज एक नई बात उन्होंने बताई जो बहुत इम्पोर्टेंट है।
एक तरफ तो सरकार का पूरा जोर लगा हुआ है सट्टा बाजार को खत्म करने के लिए, आज उनकी ऐड बंद कर दी और दो बड़े सटोरिए जो है सट्टा बाजार वाले उनको दुबई में भारत के कहने पे डिटेन किया गया है। कुछ दिनों में भारत आ भी जाएंगे, केस भी चलेगा, लेकिन जो खुलासा हमारे मित्र ने किया है उन्होंने कहा है कि सट्टा बाजार ने 2024 की पार्लियामेंट्री इलेक्शन का भाव भी आज खोल दिया और जैसे ही एडवर्टीजमेंट बंद होती है नया पैंतरा सट्टा बाजार ने अपनाया, भाव खोल दिया जिसके मुताबिक 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को 315 प्लस सीट मिलेंगी और कांग्रेस को 55। अब देखिए सट्टा बाजार अपने पैंतरे कैसे खोलता। उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बात की है, वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये बता दें कि ईडी ने जो अक्टूबर में रेड कॉर्नर नोटिस निकाला था उसके चलते हुए रवि उपल और सौरभ चंद्राकर को अरेस्ट किया गया, दुबई में डिटेन किया गया। अब वो इंतज़ार में है कि कब भारत अगली कार्रवाई शुरू करता है। उसके दो तरीके हैं, या तो दुबई उनको डिपोर्ट कर दे, जो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि उन्होंने दुबई की सरजमीन पे कोई गुनाह नहीं किया, जो आदमी वहाँ गुनाह करता है उसको ताबड़तोड़ वो लोग डिपोर्ट कर देते हैं, वापस भेज देते हैं जिस कंट्री का हो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इंटरपोल का नोटिस है, रेड कॉर्नर नोटिस, अब भारत सरकार को रिपेट्रिएशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन दुबई सरकार इस बात में बहुत तेज है, यूएई की एडमिनिस्ट्रेशन जो वो चंद हफ्तों में फैसला कर लेती है, ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज की तरह सालों तक नहीं लगा देती। वो भी आपने देखा होगा जो पुराने हमारे बैंक के फ्रॉड्स करके भागे हुए लोग नीरव मोदी, चोकसी, विजय मल्या, ये सब लंदन का कानून का फायदा उठाते हुए इतने सालों में केस हारने के बाद भी वहीं बैठे हैं, लेकिन दुबई में यूएई में ऐसा नहीं होता। अब लगता है कि कुछ दिनों के अंदर अंदर ये दोनों बड़े स्टोरी है। ईडी ने तो सिर्फ 6,000 करोड़ का घपला ढूंढा है, लेकिन ये होगा बहुत बड़ा घपला। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन लोगों के डिटेन होने के बाद भी उनके जो सर्वर दुबई में काम कर रहे हैं, जिन सर्वर के जरिए वो पूरी दुनिया भर में ये जुए का खेल खेल रहे हैं, वो सर्वर के ऊपर क्या एक्शन होता है वो सबसे बड़ी बात। इनको आप डिटेन कर लोगे, अब इनकी शादी भी होगी, इनकी पत्नी वहाँ पे बैठी है वो सर्वर चलाती रहेगी, इनके कारिंदे हैं बहुत सारे वहाँ बैठे, किसी का भाई, किसी का साला, किसी का मामा, किसी का जीजा, ये सब वो सर्वर चलाते रहेंगे, धंधा तो चलता रहेगा। ये देखने वाली बात होगी इनके पकड़े जाने के बाद सट्टा बाजार के बिजनेस पे क्या फर्क पड़ता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। थोड़ी सी जानकारी आपको और दे दें कि इनका एक और साथी भी था तीसरा, जो भाग गया था प्रदेश में। ईडी का ये भी कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार की जो पहले थी, अब तो बीजेपी जीत गई, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसके कुछ मंत्रियों को साथ लेकर भी मनी लॉन्ड्रिंग के चार्ज सामने आए हैं। अब ये देखना होगा इन सब के ऊपर जो दुर्ग के एसपी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ अभिषेक पल्लव, उन्होंने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया था और उसको लेके उस जमाने में जो 300 के करीब बुकीज के एड्रेस मिले थे, बैंक में उनके खातों का पता चला था
और ये भी पता चला था कि बोगस आधार कार्ड को बेस बना के बैंकों में खाते खोले गए, जिन खातों में इन बुकीज का पैसा जमा होता था और वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होता था। ये सब बातों को लेकर ये कार्रवाई आगे बढ़ी है और ईडी ने अपने नोटिस में ये भी कहा था कि इस महादेव ऐप के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी वो 2017 में शुरू हुई थी और ऐसा ऐसा इस ऐप की ग्रोथ इतनी हो गई कि करोड़ों लोग इनके जरिए जुआ खेलने लग गए, लाखों परिवारों की जिंदगी खराब हो गई, सैकड़ों लोगों ने कर्जे में डूबकर अपनी जान भी दे दी, किसी ने सुसाइड कर लिया, कोई हार्ट अटैक से मर गया। बहुत बहुत दिल को रुला देने वाली बातें हमने पिछले चंद सालों में देखी। और इसी में चलते हुए जो बॉलीवुड के बड़े सितारे थे वो पैसा कमाने के लिए उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे कुकर्म के लिए लोग जुए की दलदल में फंसते जा रहे हैं, लेकिन उनको पैसा चाहिए था इसलिए उन्होंने करोड़ों रुपये कमाए पिछले सालों में लोगों को ये कह के कि आप जुआ खेलिए। और उनमें जिन लोगों से पूछताछ ईडी ने की थी उनमें रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, हुमा कुरैशी, हिना खान और कॉमेडियन कपिल शर्मा जैसे लोगों के नाम भी हैं। इनसे भी ईडी ने पूछताछ की। अब इन लोगों ने कितने पैसे चेक्स लिए, कितने कैश लिए, ये तो अब आने वाले दिनों में जब पूरी रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी, चार्जशीट होगी, रिमांड एप्लीकेशन होगी, उससे पता चलेगा, उसका खुलासा भी करेंगे। लेकिन फिलहाल आप सुनिए हमारे सट्टा बाजार के एक्सपर्ट भाई साहब, जो अपना नाम कभी नहीं बताते, उनका क्या कहना है। बहुत बड़े खुलासे उन्होंने किए कि अब ये एक्शन अब क्यों हो रहा है उसके बारे में। हालांकि उनके पहले किए सब खुलासे पूरे सही निकले हैं, अब की बार वो क्या कहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बातें की हैं, आप सुनिए जरूर। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब, एक बार फिर आपका हमारी चैनल बलजीत परमार पर यू पे स्वागत है। और आज तक कितनी बातें आपने सट्टा बाजार को लेके हमारे दर्शकों के साथ शेयर की वो सब सही निकली हैं। एक बार फिर आपसे पूछेंगे कि आज की दो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, जैसे आपने बताया, एक तो नोटिफिकेशन निकल गई है कि सट्टा की एड बंद कर दी गई है, और दूसरा सौरभ अपना कमराकर, क्या नाम है उसका, चंद्राकर, उसको दुबई में, चंद्राकर उसको दुबई में डिटेन कर लिया गया है, घर के अंदर कैद रखा हुआ है। और ये एक्शन कहा जाता है कि ईडी का जो रेड कॉर्नर नोटिस था उसके नीचे लिया गया है। अब ईडी की टीम वहां पहुंच गई है, उसको लेके वापस आ रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में। देखिए, ये जो छत्तीसगढ़ का महादेव का ऐप जो उसको अरेस्ट करके लेके आएंगे वो भी अच्छी बात है। और बम्बई के अंदर भी थोड़ी हलचल चालू हो गई है, कई लोगों को, छोटे मोटे वकीलों को अरेस्ट करते हैं, बाकी बड़े वकील जो है वो अभी भी सिंगापुर है या दुबई में कहीं बैठे हुए है और वहां से वो ऑपरेट अभी भी वो करते हैं। और करना भी चाहिए, क्योंकि महादेव ऐप इतना लाइमलाइट में वो आ गया था कि 200 करोड़ का शादी में खर्चा करना, ये करना। मगर एक बात बताइए सर, इन ईडी ने जो 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 कलाकार वाले को भेजा था, देखो उसमें कलाकार की कोई गलती नहीं है, कोई भी हो, हिंदी का हो, साउथ का हो, पंजाबी हो, वो तो उसका काम है नाचना गाना और लोगों को परफॉर्म करना। बाकी इसके अंदर जो मेन आदमी जो है, इतना पैसा किसको गया, वो तो अभी हम उसको लेके आएंगे, इंट्रोगेशन करेंगे, तब मालूम पड़ेगा कि पैसा, देखो पैसा उसने कोई एक पार्टी को नहीं दिया होगा, सबको मिलजुल के छत्तीसगढ़ में बांटा गया है। मैं आपको बीच में टोकता हूँ थोड़ा सा। ईडी ने कहा है कि ये 6000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है,
6000 करोड़ का। हाँ जी, देखिए इसके अंदर एग्जैक्ट अमाउंट तो कोई पकड़ा नहीं जाता। ईडी कितना भी एयर कर दे, 6000 करोड़, 2000 करोड़, 10000 करोड़, वो फिगर ईडी को कहां से मालूम पड़ा। ये तो जो टर्न ओवर होता है, अभी उसके पास से एग्जाम्पल चलो, 6000 करोड़ का केस है, उसकी प्रॉपर्टी तो कुछ 200 करोड़ की अटैच हुई है उसके उसके पार्टनर की, बाकी बाकी प्रॉपर्टी जो रहेगी तो उसके नाम पे तो रहेगी नहीं। और कोई भी बुकी के पास आज की तारीख हिंदुस्तान का कितना भी बड़ा बुकी होने दो, इसके पास इतनी बड़ी 500,000, 2,000 की कोई प्रॉपर्टी किसके पास है ही नहीं। और वो खाली हवा में बातें होती है कि ये बुकी के पास 500,000 करोड़ है, 2,000 करोड़, और जो लोग धंधा करते हैं एक एक मैच के अंदर समझो कि 50 करोड़, 100-200 करोड़ का धंधा करते हैं, ऐसे तो बहुत से बुकी इंडिया के अंदर है। उसके बाद बहुत से कस्टमर भी है, और सबको उन लोगों ने आईडी तो अभी भी हिंदुस्तान के अंदर चालू ही है, उसमें कोई नहीं है। अभी अफ्रीका और इंडिया की मैच चल रही है, और ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की मैच चल रही है, कल तक जो लेडीज टेस्ट मैच चालू थी, जुआ कोई बंद नहीं हुआ है सर। एक बात ध्यान रखिए, खाली क्रिकेट नहीं, टेनिस है, फुटबॉल है, ऑनलाइन के ऊपर टोटली चालू है, इसमें कोई बंद नहीं हुआ है। कोई भी बोल दे ठीक है, आज 2 दिन आगे पीछे होते, छोटे छोटे गाँव के अंदर भी होता है, आईडी दे देते, आप खेलते रहो, उसको क्या फर्क पड़ता है, मंडे को सेटलिंग कर लो। जुआ ये आप एक बात नहीं मानेंगे कि एक एक साइड के अंदर मैच के अंदर, अभी ये वनडे चालू था, कोई T20 था, अभी भी बिग क्लैश भी चालू है ऑस्ट्रेलिया में, एक एक मैच के अंदर 500-500 से एक साइड के अंदर 400 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ का टर्न ओवर होता है। रिटर्न ओवर किसने खाया, किसने लगाया, इतनी तो कितनी साइडें है बुकी की, अलग अलग बुकी की साइडें अलग है। कोई ओम साई राम चलाता है, कोई जैन चलाता है, कोई लोटस चलाता है, कोई ये चला, अलग अलग नाम से चलाता है। नहीं, मुझे ये बताइए, अगर इनकी अरेस्ट होने के बाद इनको भारत लाया जाता है, इनके जो सर्वर दुबई से काम कर रहे हैं क्या वो भी बंद हो गए? जब तक सर्वर बंद नहीं होगा इनका धंधा बंद नहीं होगा। नहीं, वो धंधा बंद कहाँ से होगा, उसको तो मालूम है ही, आज भी तो मेरा रेड कॉर्नर नोटिस जो इश्यू हो चुका है, मैं कभी भी हाथ में आ चुका हूँ, हाथ में आ जाऊंगा, तो उसने दूसरे नाम से धंधा कर दिया है। अभी महादेव एक तो ऑलरेडी बंद हो चुकी है बाजार के अंदर, ओके, अन्ना नाम की एड चालू है, साउथ की कोई बड़ा अन्ना की है वो एड चालू है, उसके अलावा बहुत से एड चला है। गूगल में डाल के देखो लाइव बेटिंग, तो आप व्हाट्सएप में डालो उसके अंदर नीचे लिखा ही रहता है, और दो दो नंबर भी दिखे रहते हैं कि आपको जेन्यून आईडी चाहिए तो ये नंबर पे आप फोन करो, व्हाट्सएप करो। व्हाट्सएप कहाँ से आएगा, उसको आप फिलहाल ढूंढ नहीं सकते हो, उसको ढूंढना बहुत तकलीफ वाला काम है, और व्हाट्सएप वाला आपको डिटेल्स ये चीज का देता नहीं है। अभी जैसे इंडिया के अंदर एयरटेल है, वोडाफोन है, उससे आप डिटेल्स मांगोगे, CDR मांगोगे तो आपको दे देगा कि फोन कहाँ से आएगा, कितनी बात हुई थी, फोन किधर से आया, फोन कहाँ से, मगर व्हाट्सएप वाला आपको सारी डिटेल्स आपको नहीं देगा, क्योंकि वो इंडिया के बाहर की चीज है वो। और आने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन में क्या निकले वो तो पहले देखे, ये सब प्रॉपर गंदा है, लीगली क्यों नहीं करते, ये सारे प्रॉपर गंदा है सर। 2024 का इलेक्शन के लिए, इलेक्शन में कितना पैसा लगेगा आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। 22 तारीख को राम मंदिर के बाद, कोई लोग बोलते हैं कि 22 तारीख के राम मंदिर का इनोग्रेशन के बाद इलेक्शन डिक्लेयर होगा, वो इलेक्शन 22 तारीख का डिक्लेयर नहीं हो सकता है, क्योंकि अप्रैल 15 तक तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर बच्चे लोग की एग्जाम चलती है। हाँ, 15 अप्रैल तक, चाहे वो चंडीगढ़ हो, बॉम्बे हो, गुजरात हो, मैक्सिमम में मैक्सिमम 15 अप्रैल तक को खत्म हो जाती है। उसके बाद जो फेब्रुवरी एंड के अंदर ये इलेक्शन डिक्लेयर होगा, और अभी बाजार के अंदर जो है, आप साइट बंद करने की बात करते हो, अभी तो बाजार के अंदर 315 सीट बीजेपी का बुकी लोग लगा रहे हैं, सौदे बढ़ना चालू हो गए। ओके, हाँ, 55 सीट जो है बुकी लोग कांग्रेस की लगा रहे हैं, रोज सौदे पड़ रहे हैं। अगर ये थोड़ा भी डर रहेगा, ऐसी बात नहीं कि डर नहीं रहेगा, किधर है डर, इतना होने के बाद भी सब खुले हम चालू ही है। नहीं, अगर जो जो नोटिफिकेशन की आप बात आपने की थी कि नोटिफिकेशन निकल गई ऐड नहीं आएगी, वो ऐड बात हो गई क्या, अभी भी आ रही है? नहीं, ये आज नोटिफिकेशन निकला है, ये एक तो सट्टे की एयर जो प्ले स्टोर में है जो आती है उसमें हाँ। आप डाउनलोड करो, गूगल स्टोर से डाउन करो, उसके अलावा लोन की जो एड आती थी, लोन में भी लोगों को फंसाया जाता है,
10,000 देके 25,000 देके उसको ब्लैकमेलिंग किया जाता है। वो गवर्नमेंट की आईटी मिनिस्ट्री का है, और नोटिफिकेशन अभी मैंने आज तक में देखा वो आ गया हुआ है कि भाई ये नोट ये बंद होनी चाहिए। हाँ, अभी नोटिफिकेशन तो आया है, हाँ, उसमें प्ले स्टोर जो है गूगल वाला क्या करता है, गूगल को क्या करना चाहिए, गूगल तो कुछ करेगा नहीं, हाँ, वो क्यों करेगा, वो तो लंदन में बैठा हुआ है। अगर तो आपको ये करना है अनलीगली जितनी बेटिंग साइट है तो गूगल वाले को बोलो एशिया की सारी जो इनलाइन बेटिंग बंद कर दो, वो चाहे तो वो कर सकता है, बेटफेयर जो है चलता है, बेटफेयर वाला चाहे तो एशिया का जो बटन बंद कर दे तो कुछ सौदा ही नहीं होगा। नहीं, अब जो जो है जो हमारी टेलीविजन पे चलती थी, हर बड़ी चैनल पे आती थी, वो बंद हो गई, वो बंद हो गई सारी। तो टीवी वाले को तो बहुत नुकसान हुआ होगा, करोड़ों रुपए जो कमाते थे ऐड से। वो नुकसान बहुत, तो मैं पहले भी आपको बोला था पहले ये एयर बंद, चलो मैं नहीं बोल रहा हूँ आपके कहने से या मेरे कहने से एयर बंद हुआ है, वो एयर बंद होने से बहुत से बच्चे लोग को भी अच्छा फायदा हुआ है, यंग जनरेशन को। ओके, हाँ, क्यों बंद हो चुका, जय शाहिद कपूर का हो, अजय देवगन का हो, शाहरुख खान का हो, ये तो हिंदी स्टार थे, बाकी साउथ के स्टार रहेगा, पंजाबी स्टार रहे, वो सबकी एड आती थी हर एक लैंग्वेज के अंदर। इनकी एड अभी, इनकी एड अभी इंडिया के मीडिया में नहीं आएगी, लेकिन गूगल में अभी भी आ रही होगी। तो गूगल तो देखो, गूगल को तो गवर्नमेंट रोक नहीं सकती है ना। हाँ, तो फायदा क्या हुआ आपका, ये आपकी न्यूज, ये अपना इंटरव्यू चालू है, वो बीच में कभी रमी की गेम आ जाएगी, एड आ जाएगी, आप क्या करोगे, अनु कपूर की, वो तो ऊपर से बीच में बात 10 मिनट 10 सेकंड का गैप वो आती है। मुझे मुझे लोग बोलते हैं कि सर आपकी स्टोरी चल रही थी सत्य के खिलाफ और बीच में सत्य की एड आ रही उसमें थी, आप कुछ नहीं कर सकते सर, क्योंकि उन लोगों को आज गूगल यूट्यूब को भी तो एड में तो पैसा कमाने का है। बिल्कुल, आज कोई भी भजन कीर्तन का भी आएगा तो बीच में एड आ जाती है, तो YouTube पैसा कहाँ से, YouTube कमाती है, जितना उसके व्यूवर्स बढ़ता है उतना वो सामने वाले को पैसा देते। आज की तारीख में इतना बच्चे लोगों को क्रेज हो गया है कि YouTube पे वीडियो डालो, हमारा फॉलोवर बढ़ेगा तो हमको पैसा मिलेगा। मिनिमम जहाँ तक मेरा नॉलेज है 1 लाख फॉलोवर कम से कम होना चाहिए, चाहे YouTube हो चाहे टेलीग्राम हो या कुछ भी हो, चलो वो तो एक टाइप का धंधा है, उसको तो डिगर पैसे अपने इंडिया के बच्चे मिल चुके हैं, करने दो, रही है सट्टे की बात, तो वो कैसे बंद होती है वो ये देखना जरूरी है। अभी ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, वो तो 2 दिन में मालूम पड़ जाएगा कि फिर पर आती है कि नहीं है। आप गूगल में सर्च करो, हर चीज की चालू ही है सर, ये कोई नहीं है, सारी स्टोरी गवर्नमेंट को पैसे चाहिए 2024 के लिए बस। ओके ओके, और पैसा कितना लगता है आप भी ये चीज समझते हो। एग्जाम्पल बोलू कि एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी की कहीं सभा है, 1 लाख लोगों को जमा करना है, तो भी एक धंधा ही है, वो भी बिजनेस ही है, सामने वालों को बोल देते हैं कि भाई तेरे को 20,000 आदमी का सुलाने का है, चाहे ट्रैक्टर ट्रैक्टर में लावे, बस में लावे, ट्रक में लावे, कैसे भी लावे, 600-700 रुपया उसको देते हैं, खाने पीने का खर्चा देते हैं, वही आदमी लोग अगर दूसरी जगह 2 दिन के बाद कांग्रेस की मीटिंग होगी तो वही आदमी उसको कांग्रेस की मीटिंग में भेज देता है, उसका तो ये धंधा ही है। नहीं तो कोई जहाँ जहाँ ये सभा होती है आस पास के लाख लाख किसको इतनी फुर्सत नहीं है कि वो जनसभा में जावे। बिल्कुल, हाँ जी सर, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, ये आपने नई बात बता दी कि 2024 की इलेक्शन का भाव खुल गया, 315 सीट बीजेपी की और 50 कांग्रेस की, 55 कांग्रेस की, 55, ओके, चलो तो आपसे बातचीत करते रहेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, थैंक यू अगेन वंस अगेन। तो दोस्तों आपने सुना हमारे सट्टा बाजार के एक्सपर्ट ने क्या कहा, सच्ची बातें करते हैं, कुछ लोगों को बुरी भी लगती होगी लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है। आने वाले दिनों में देखना होगा उनकी आज की भविष्यवाणी, जो उनकी नहीं है बल्कि सट्टा बाजार की भविष्यवाणी जिसका विश्लेषण उन्होंने किया वो कहाँ तक खरी उतरती है, ये देखना होगा आने वाले दिनों में। तब तक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।